स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तिरंगा फहराया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई एवं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पर जोर देने की अपील की और कहा कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करते हुए देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी, अब उनकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। मंडलायुक्त ने अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज के समय में उस चीज़ पर जोर देना है जिसका जो दायित्व है उसे वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन एवं सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, जय जन मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे और गजू भारत माता की जय। इसको पुनरावृत्ति करेंगे, ये भारतीय एकता की संकल्प है। मैं पुनीत संकल्प लेता हूं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्ट करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनैतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित परम सद्भय आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त न्यायिक साहब, हमारे और सभी तमाम अधिकारीगण तथा हमारे आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारी साथियों हैं। हम लोग जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आज के दिन हम सभी मतलब आप लोगों को बधाई देते हैं और हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन आज का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन ये स्वतंत्रता के दान कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको आज के दिन हमको याद करना है और हमको अपने देश के उन नेताओं को, उन महान राष्ट्र नेताओं को भी मतलब हमको याद करना है कि जिनके नेतृत्व में ये पूरा संग्राम लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया। हमारे देश में तमाम मतलब वृद्धियाँ हुई हैं, तमाम बढ़ोतरी हुई है, तमाम विकास हुआ है, लेकिन आज के दिन हमको सेनानी लड़े थे और जिन हमको स्वतंत्रता दिलाया। हम जानते हैं कि हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब लोग स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं, कोई भी यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले का हमारे देश के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। हमारा देश इतना बड़ा देश है, यहाँ बहुत तरह की संस्कृतियाँ हैं, बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी समय आया है तो हम लोग हमेशा एक रहे हैं, आगे एक रहेंगे, हमसे हम लोग समाधान करेंगे। एक बात कहते थे कि अगर जो है हम आदमी जो है अपना मत जो है अपना वोट जो है अच्छे लोगों को देंगे तो देश अच्छा होगा और आने वाले समय में कुछ पार्टियां भी अच्छे उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर देंगी, तो यह हमारे देश के हित में कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। परंतु अभी भी हम सब लोग जो देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए जो हमको निर्णय लेना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी जो हम देश को अखंडता बनाए रखने के लिए जो है खासकर धर्म जाति और सबसे दूर होकर हमें निर्णय लेने चाहिए, परंतु खासकर वोट के समय शायद ये अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं।
अगर भविष्य में हम सब लोग निष्पक्ष होकर देश के हित में जो भी चाहे हमारा उम्मीदवार हो या जो भी कर्मचारी अधिकारी वास्तव में देश के हित में काम करे तो हमारा देश और अग्रसर होगा, क्योंकि इस समय कम है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने परम श्रद्धे आयुक्त महोदय से, अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक श्री जतवान जी, नवागत अपर आयुक्त न्यायिक JDC JC फूड, बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य कार्मिक, मीडिया से संबंधित बंधुगण यहाँ पर जो उपस्थित हैं, आप सभी को सर्वप्रथम 74वें स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, JDC साहब से स्टार्ट करते हैं, पर एक प्रशासन साहब ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए थे JF Kennedy, और उन्होंने उनका बड़ा फेमस कोट है, आप लोगों ने सभी ने उसको पढ़ा या सुना होगा, कि डोंट आस्क द कंट्री व्हाट इट कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। आप राष्ट्र से, राज्य से, सरकार से ये ना पूछें कि वो आपके लिए क्या कर सकती है, आप अपने आप से पूछें कि आप राज्य या सरकार या राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो वाक्य है ये आज से ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में पहले कभी नहीं रही। हमें एक आदत है कि हम ये कहते रहते हैं कि मुझे ये सैलरी कम मिली है, इस बार ये कम हो गया, इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, बट ये वक्त ऐसा है जिसमें कि आज हिंदुस्तानी नहीं अपितु पूर्ण विश्व एक ऐसी क्राइसिस के सामने खड़ा है जो पैंडेमिक है, जिसका उपचार, जिसका उपाय, जिसका वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने के साथ साथ वो लोग जो उम्र में ज़्यादा हैं या उम्र में कम हैं, समाज के ऐसे लोग जो दुर्बल वर्ग से आते हैं, ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको हम सुरक्षा दें। और सुरक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे आरंभ होता है। मास्क लगा ही ना, प्रॉपर तरीके से लगाएं, ठीक तरीके से लगाएं, 2 मीटर से ज़्यादा पास किसी के ना जाएं, ये बहुत एक मूल सिद्धांत है जो दिया गया है, और मैं इसकी पुनरावृत्ति करते हुए यहाँ से पुनश्च आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ इस चीज़ को, इसका प्रचार, इसका प्रसार जरूर करें। द्वितीय, आपको पता है ये विकास का युग है, एक विकास की यात्रा पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में भी आरंभ हुई है, बहुत सारी योजनाओं, परियोजनाओं, परिकल्पनाओं के द्वारा कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। गोरखपुर मंडल की यदि बात करें, गोरखपुर मंडल में 4 जनपद आते हैं, लगभग 1.7 करोड़ की जनसंख्या है, और रास्ता से लेके, यदि ऑडिटोरियम से लेके, चिड़ियाघर से लेके, मेडिकल कॉलेजेस से लेके, कई परियोजनाओं का रूपायन चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उन परियोजनाओं के रूपायन में, उनके क्रियान्वयन में और उसके उद्घाटन के बाद उसकी क्रियाशीलता में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से संबंध होंगे, संबंधित होंगे, और ये हमारा कर्तव्य है कि शीघ्र कोरोना 19 जो हमारा संक्रमण है उससे अपने को बचाव करते हुए हमें ये विकास की जो गंगा बह रही है उसको अनवरत बहते रहना है, उसको और तीव्र करना है और रुक नहीं जाना है। ये एक चुनौतीपूर्ण समय इसलिए भी है कि एक तरफ COVID-19 के पैंडेमिक से हमें समाज को और अपने को और अपने परिवार की रक्षा करनी है, और उसके साथ साथ जो विकास की एक यात्रा चली है जिस पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसको हमें और तीव्र गति से ले जाना है, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो महापुरुषों ने त्याग बलिदान किया था, जो जिसके माध्यम से, जिसके अनवरत प्रयास से 1947 में भारतवर्ष स्वाधीन हुआ था, वो स्वाधीनता राजनीतिक थी, और अब हम जिस तरफ कार्य कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसे आर्थिक सबलता बोलते हैं,
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सही मायने में तब होगा जब हर व्यक्ति को एक हम अच्छी लाइफ दे पाएंगे, जो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में विभिन्न आदेशों में उन्होंने वर्णित किए हैं। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम विकास के कार्यों को, जो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य तिथि है, उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण कंप्लीट करें। इसके साथ साथ JDC साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन कही लास्ट में, और मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि कोई देखे या ना देखे, आपका जो कर्तव्य है, आपके डेस्क पर जो काम है, आपका जो विभागीय दायित्व है, आपका जो पर्यवेक्षण निरीक्षण जो भी कार्य है, वो आप देख करते रहे। हम सभी किसी न किसी रूप में परमात्मा में यकीन करते हैं, और परमात्मा को किसी ने नहीं देखा फिर भी हम यकीन करते हैं कि परमात्मा है, और उसी तरह से हमें अपने कार्यों को निर्वहन करना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इसकी चिंता किए बिना हमें अपना कार्य गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध तरीके से करना है, तभी हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और जब हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी हम सही मायने में स्वतंत्रता के जो संकल्प थे उनको पा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की और इस 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि यहां से किए गए शब्द आप एक दीपक की तरह इसको समाज में, राज्य में, जिले में, अपने तहसील में इसके ज्ञान के प्रकाश को और प्रसारित करेंगे। आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की और अपने समाज की COVID-19 के संक्रमण से रक्षा करेंगे, और जो ये विकास की गंगा का प्रवाह है इसको और तेज करेंगे, इसको अविराम आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। द्वार खड़ा रहेगा संतरी सर्जन। ताकि 74वीं वर्षगांठ पर मैं मंडल के समस्त जनमानस को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कोविड संक्रमण से अपना बचाव करेगा, और जो भी उपाय शासन और सरकार द्वारा दिए गए हैं, सुझावित हैं, उनका आप अनुपालन करेंगे। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और मास्क ठीक तरह से लगाया जाए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 2 मीटर का दूरी रखेंगे, ये बहुत ही अनिवार्य है समाज और राज्य को इस संक्रमण से बचाने के लिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर संदेश दिया गया है कि जो विकास की यात्रा है, जो 2 महीने 2.5 महीने संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से रुक सी गई थी, उसको हमने प्रयास किया है कि इस मंडल में हम और ज़्यादा तेज़ी से और उसका प्रभाव को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएं, और ये प्रयास में हम कुछ हद तक सफल हुए हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको और आगे ले जाएंगे। इसी आशा के साथ समस्त जनमानस को, हमारे पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं को, समस्त आपके परिवार को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।